बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कर रहे हैं। अल्कीन्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अल्कीन्स। अल्कीन्स जो हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्कीन्स हैव टू हाइड्रोजन एटम लेस देन कोरिस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी जो कोरिस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स में उनके मुकाबले में दो हाइड्रोजन लेस होते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप मिसाल के तौर पे देखिए, इथेन है C2H6 और दो कार्बन वाला अल्केन जो है वो इथेन है C2H6। इसी तरह से दो कार्बन वाली अल्कीन जो है वो है इथीन। इथीन का फॉर्मूला है C2H4। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है कि इथेन के मुकाबले में, यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये इथेन है, इथेन के मुकाबले में जो इथीन है उसमें दो हाइड्रोजन्स कम है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप प्रोपेन में देखेंगे तो सेम जो है वो आपको प्रोपेन का भी नज़र आएगा कि आपको पता है कि तीन कार्बन जो हमारे पास अल्केन है उसको हम कहते हैं प्रोपेन, और उसका फॉर्मूला है हमारे पास C3H8। इसी तरह से जो हमारे पास तीन कार्बन अल्कीन है प्रोपीन, उसका है हमारे पास फॉर्मूला C3H6। तो प्रोपेन और प्रोपीन में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, दो हाइड्रोजन्स का। यानी अल्केन्स जो हैं उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन के मुकाबले में दो हाइड्रोजन लेस होंगे। इसी तरह से ब्यूटेन के मुकाबले में ब्यूटीन में दो हाइड्रोजन कम होंगे, पेंटेन के मुकाबले में पेंटीन में दो हाइड्रोजन कम होंगे, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, जो अल्कीन्स हैं दे आर ऑल्सो नॉन एज ऑल्फिन्स। हम इनको ऑल्फिन्स भी कहते हैं। ऑल्फिन्स हम इनको क्यों कहते हैं, द वर्ड ऑल्फिन इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ ऑल्फियंट से ये ड्राइव किया गया है। लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है ऑल्फियंट। ऑल्फियंट का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल बनाने वाले, तेल बनाने वाले। तो इनको अल्कीन्स को हम ऑल्फिन्स या ऑयल फॉर्मिंग क्यों कहते हैं कि जो अल्कीन के लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एक्सेट्रा, व्हेन दे आर ट्रीटेड विद क्लोरीन और ब्रोमीन, जब उन तमाम लोअर मेंबर्स को, इथीन को या प्रोपीन को या ब्यूटीन पेंटीन वगैरह को क्लोरीन और ब्रोमीन से ट्रीट करवाते हैं, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट होती हैं वो ऑयली होती हैं, ऑयली प्रोडक्ट बनती है। इसीलिए हम इनको ऑल्फिन्स या ऑयल फॉर्मिंग कहते हैं। इसी तरह से आप लोगों को पता है कि अल्कीन्स या ऑल्फिन्स में से जो सबसे सिंपलेस्ट या सबसे छोटा मेंबर है वो है इथीन विद फार्मूला C2H4। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि अल्कीन्स के जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, या पीछे नॉमनक्लेचर में भी पढ़ चुके हैं, उनको हम कहते हैं मोनोइन्स। इसी तरह से जिनमें दो डबल बॉन्ड होते हैं उनको कहते हैं डाइइन्स, जिनमें तीन डबल बॉन्ड होते हैं इनको कहते हैं ट्राइइन्स, एंड सो ऑन। तो अब अल्कीन में से वो अल्कीन्स के जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड मौजूद है, जिनको हम मोनोइन कह रहे हैं, उनका जनरल फार्मूला है CnH2n। यानी आपने ये बात जहन में रखनी है कि CnH2n जनरल फार्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोइन्स पे अप्लाई होता है, डाइइन्स वगैरह पे या ट्राइइन पे अप्लाई नहीं होता। मोनोइन्स यानी वो अल्कीन्स के जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं मोनोइन। अगर दो डबल बॉन्ड हो तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे डाइइन्स। इसी तरह से ये तो इनका जनरल इंट्रोडक्शन था अल्कीन्स का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में जो सबसे पहला मेथड है वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यानी हमने अल्कीन किससे प्रिपेयर करनी है, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम किसको कहते हैं कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन अटैच हो उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्काइल ग्रुप कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हैलोजन जो है ये भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सी भी हैलोजन हो सकती है। तो अल्काइल हैलाइड से हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन को। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो पहले भी बताया था कि ये टर्म डी जब किसी चीज़ के स्टार्ट में आती है तो डी का क्या मतलब है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डी स्टैंड फॉर रिमूवल। डी का मतलब है रिमूव करना, हटा देना, निकाल लेना। तो अब इसमें से क्या चीज़ रिमूव होगी,
आगे साथ आपको बता भी दिया है, रिमूवल होगा हाइड्रोहैलोजिनेशन यानी हाइड्रो हाइड्रो यानी हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, हैलोजिनेशन यानी हैलोजन का। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जो है ये क्या है, एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन एटम, एलिमिनेशन यानी निकाल देना रिमूव कर देना, टुगेदर विद अ हाइड्रोजन एटम यानी हैलोजन एटम भी निकले साथ ही साथ एक हाइड्रोजन एटम भी निकले। और ये दोनों एटम जो हैं वो कहाँ से निकले, एडजेसेंट कार्बन एटम से, यानी अगर एक एटम से हाइड्रोजन निकला है तो उससे नेक्स्ट जो है उससे हैलोजन रिमूव होगी, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कैसे की जाती है कि जब हम अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो तब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है, यानी एक एटम से हाइड्रोजन और उससे अगले एटम से हैलोजन रिमूव हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास जिन दो एटम से हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हुई हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है और इस तरह से अल्कीन्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये अब इस मैथड को हम आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। आप नेक्स्ट आगे ये रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें ये आप देखिए ये पहला रिएक्शन जो है ये एक जनरल अल्काइल हैलाइड को शो कर रहा है। अब इसमें आप देखिए कि ये कार्बन नंबर 1 है जिसके साथ हैलोजन अटैच है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो इसमें रिमूवल जो है कैसे होगा कि कार्बन नंबर 1 जो है इसमें से हैलोजन रिमूव होगी और कार्बन नंबर 2 यहाँ ये दो हाइड्रोजन अटैच हैं इनमें से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होगी, एक कार्बन से हैलोजन दूसरी कार्बन से हाइड्रोजन और फिर इन दोनों कार्बन्स के दरमियान यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, जिनसे हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होगी उनके दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड और रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में होगा। तो यहाँ से हैलोजन निकली, यहाँ से हाइड्रोजन, तो इस कार्बन पे ये जिसमें से हैलोजन रिमूव हो गई यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो पीछे रह गया CH और इन दोनों कार्बन के दरमियान अब यहाँ पे आ गया ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन्स बने और ये जो हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हुई, जो हैलोजन रिमूव हुई है वो इस पोटेशियम के साथ उसने रिएक्ट किया और उसने बना लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जो इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुई उस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ मिलके बना लिया वाटर। तो ये थी हमारे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये आपको जनरल एक एग्जांपल दी हुई थी। इसी तरह से आप यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड के साथ देखें, ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, एक कार्बन से हैलोजन रिमूव होगी, अगली कार्बन ये मिथाइल ग्रुप है CH3 और इसमें से जो हाइड्रोजन रिमूव होनी है वो हाइड्रोजन अलग लिखी हुई है, यहाँ से हैलोजन रिमूव होगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी। अब ये जो हैलोजन है जो रिमूव होगी ये इस पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर लेगी और पोटेशियम ब्रोमाइड हमारे पास बना देगी। इसी तरह से जो हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हुई है वो कहाँ जाएगी, जो हाइड्रोजन रिमूव हुई है वो हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ मिलेगी, ये हाइड्रोक्सल और ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देंगे, ये हमारे पास आ गया वाटर। और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान जब ये दो एटम्स रिमूव हो जाएंगे तो फिर इनके दरमियान हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से अल्कीन्स प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से ये थर्ड एग्जांपल है, ये आप लोग खुद करेंगे। ये थी हमारे पास डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसी तरह से जो प्रिपेयर करने का तरीका है अल्कीन्स को, दूसरा तरीका है वो है फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी हम अल्कोहल से भी अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, डीहाइड्रेशन से। डी अगेन स्टैंड फॉर रिमूवल एंड डीहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल को जब हम डीहाइड्रेट करते हैं यानी अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं तो हमारे पास अल्कीन्स आती हैं। दिस डीहाइड्रेशन इज डन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये डीहाइड्रेशन जो है वो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है और इसके लिए जो बेस्ट कैटलिस्ट है वो है एलुमिना, एलुमिनियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। इसके लिए हम अल्कोहल को हीटेड एलुमिना, हाई टेम्परेचर पे जो एलुमिना है उसके ऊपर से गुजारते हैं, पास करते हैं, तो अल्कोहल में से वाटर रिमूव हो जाता है। इसमें नेक्स्ट आप देखिए, ये हमारे पास अल्कोहल है जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है एक कार्बन के साथ, तो यहाँ पे इस कार्बन से
हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, इससे अगली कार्बन जो है ये वाली कार्बन, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके वाटर बना देंगे और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, कि एक कार्बन जो है उससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, अल्फा कार्बन जिसको हम बोलते हैं, ये वाली जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लगी हुई होती है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे अगली कार्बन को हम कहते हैं बीटा। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, बीटा से हाइड्रोजन निकली, इन्होंने बना दिया वाटर और अल्फा बीटा कार्बन के दरमियान आ गया डबल बॉन्ड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो पीछे रह गया CH और इस तरह से हमारे पास आ गई अल्कीन। अब अल्कीन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एलुमिना है, इसके अलावा भी हम दीगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये आपको MCQs में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, फास्फोरस पेंटोक्साइड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, इन तीनों को भी हम डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एलुमिना को तो यूज़ करते ही हैं, इन तीनों को भी हम डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। उसके बाद ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कौन सी अल्कोहल जो है वो आसानी से डिहाइड्रेट होती है, तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि टर्शरी अल्कोहल जो है इनकी डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, सेकेंडरी अल्कोहल उसके मुकाबले में ज़रा मुश्किल से डिहाइड्रेट होती हैं और प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं वो सबसे मुश्किल से डिहाइड्रेट होती हैं, और इस चीज़ को आप यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रिएक्शंस। तो इसमें आप देखिए आपको तीन रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसकी डिहाइड्रेशन जब की है तो उसके लिए जो रिएक्शन की कंडीशन है वो है 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और उसके लिए हमें चाहिए 75% सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके नतीजे में अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन निकली और हमारे पास अल्कीन्स आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से आप देखिए अगर हम आगे जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल तो हमने कर ली, सेकेंडरी अल्कोहल पे जाते हैं, तो यहाँ आप सेकेंडरी अल्कोहल पे देखिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ से आपका जो है वो इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, जो ये आपकी नेक्स्ट कार्बन है, यहाँ से हमारी जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगी और इन दो कार्बन्स के दरमियान आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये देखें आप, यहाँ से हमारा जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ है इस वाली कार्बन से, इस वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, तो इस तरह से इन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड। यहाँ CH2 था, हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो CH रह गया, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल गया, इन दोनों के दरमियान आ गया डबल बॉन्ड, यानी अल्कीन्स। अब इसमें जो है जैसा कि ऑर्डर ऑफ ईज में आपने देखा है कि प्राइमरी अल्कोहल के मुकाबले में सेकेंडरी अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन है वो आसानी से हो जाती है, तो ये आपको रिएक्शन कंडीशंस भी बता रही हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए था 140, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की निस्बतन आसानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही डिहाइड्रेशन हो गई। इसी तरह प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए था 75%, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की क्योंकि डिहाइड्रेशन आसान है तो 60% सल्फ्यूरिक एसिड से ही डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसी तरह से अगर आप टर्शियरी अल्कोहल को देखें तो टर्शियरी अल्कोहल की जो डिहाइड्रेशन है वो और भी आसान है। टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है, ये आपकी टर्शियरी अल्कोहल है, एक यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और किसी एक कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होगी और उन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये थोड़ा जो है वो इसमें, ये वाली कार्बन जो है इसमें से आपकी, आप सपोज करें कि हाइड्रोजन रिमूव हुई है और इसको फिर स्ट्रक्चर को इस शक्ल में लिख दिया है, यानी जो ये CH3 ग्रुप ऊपर था उसमें से हाइड्रोजन निकली है इसमें से, और अब हमने इसको इस तरफ करके लिख दिया है और इन दोनों कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, जो कि अब यहाँ शो किया हुआ है। अब ये ऑर्डर ये बता रहा है कि टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, तो रिएक्शन कंडीशंस भी आपको यही बता रही हैं कि टर्शियरी अल्कोहल की 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाती है। और इसी तरह से आप देखें प्राइमरी अल्कोहल के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था, क्यों? क्योंकि उसकी डिहाइड्रेशन मुश्किल है। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए निस्बतन कम टेम्परेचर चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन इसकी आसान है। टर्शियरी अल्कोहल के लिए टेम्परेचर मजीद कम हो जाता है। सेम इज़ ट्रू फॉर देयर कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज 75% सल्फ्यूरिक एसिड, वाइल फॉर सेकेंडरी अल्कोहल वी नीड 60% सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल वी नीड जस्ट 20% सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिड की कंसनट्रेशन और ये टेम्परेचर की कंडीशंस जो हैं ये प्रूफ कर रही हैं कि टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है और प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे
मुश्किल है। तो ये तो थे हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, दो मेथड हमने डिस्कस किए, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड फ्रॉम अल्कोहल। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, फर्दर जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।